ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दूरसंचार एवं बीएसएनएल विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को आ रही समस्याओं का निदान घर द्वार पर करने के लिए हमीरपुर के बीएसएनएल कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा हिमाचल प्रदेश दूरसंचार परिमंडल शिमला से आए हुए प्रतिनिधियों ने हमीरपुर एसएसए के तहत आने वाले हमीरपुर बिलासपुर व ऊना जिला के पेंशनरों की समस्याओं का सुना व उनके निदान के लिए उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाने का भरोसा दिलाया। दूरसंचार एवं बीएसएनएल विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को आ रही समस्याओं का निदान घर द्वार पर करने के लिए हमीरपुर के बीएसएनएल कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा हिमाचल प्रदेश दूरसंचार परिमंडल शिमला से आए हुए प्रतिनिधियों ने हमीरपुर एसएसए के तहत आने वाले हमीरपुर बिलासपुर व ऊना जिला के पेंशनरों की समस्याओं को सुना व उनके निदान के लिए उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाने का भरोसा दिया। इंद्रलाल महावर ने कहा कि पेंशनरों की समस्याओं को ऑनलाइन मांगा गया था, लेकिन कोई भी समस्या ऑनलाइन प्राप्त नहीं हुई, जिसके बाद बीएसएनएल कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी दूरसंचार एवं बीएसएनएल पेंशनरों की समस्याओं को सुना गया। उन्होंने कहा कि समस्याओं को दिल्ली के उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाएगा और समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। जो पेंशनर हैं उनकी कोई भी समस्याएं हमने पहले ऑनलाइन मांगी थी, ऑनलाइन कोई समस्या नहीं आई इनकी, और इनकी जो ऑन द स्पॉट इन्होंने जो समस्याएं बताई हैं उनको हमने नोट कर लिया है। आगे उसको हम अधिकारी जो सक्षम अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनको हम भेजेंगे और इनकी समस्या का समाधान हम तुरंत करेंगे। वैसे तो समस्या इनकी बीएसएनएल से रिलेटेड ज़्यादा रही, जो फिक्स मेडिकल अलाउंस से रिलेटेड, तो वो बीएसएनएल का इशू है। वैसे पेंशन से हमारा इसमें इशू नहीं था, पर हमने उसको भी आगे, उस समस्या को भी आगे तक पहुंचाने का हमने इनको आश्वस्त किया। से संबंधित जो भी इन्होंने शिकायतें या समस्याएं अपनी रखी हैं उनको हम आगे अधिकारी, दिल्ली के अधिकारी हैं, उन तक पहुंचाने का हमने इनको आश्वासन दिया।